आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ उड़द दाल की जलेबी बनाने की रेसिपी। इसे आप इंस्टेंट जलेबी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही झटपट और कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती हैं। इन जलेबियों की खास बात यह है कि इसमें चाशनी एकदम अंदर तक गई है और साथ ही ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है। तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की जलेबी बनाने की रेसिपी। क्योंकि हम उड़द दाल की जलेबी बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप जितनी उड़द दाल। मैंने यहाँ पर ये धोबा उड़द दाल यूज की है। इस उड़द दाल को कम से कम हमें 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए रखना है, तो इस स्टेप को मैंने पहले से करके रखा हुआ है। यहाँ मैंने इस उड़द दाल को 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप देख सकते हैं 2 घंटे में दाल अच्छे से भीग कर काफी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हमें इस दाल का एकदम महीन पेस्ट तैयार करना है, तो उसके लिए हम इस पूरी दाल को एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देंगे और इसका एकदम महीन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। दाल को पीसने में हमें आसानी रहे, इसके लिए हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच इतना पानी डाल देंगे और जार के ढक्कन को लगाकर इसका एकदम महीन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। याद रखें, दाल का जो पेस्ट है वो एकदम बारीक होना चाहिए, इसमें दाल के दाने बिल्कुल ना हो, अदरवाइज बाद में आपको जलेबी बनाने में दिक्कत होगी। इस तरीके से एकदम बारीक पीस कर तैयार करना है आपको दाल को, इसमें दाने बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ हमारी दाल एकदम बढ़िया तरीके से पिसकर तैयार हो चुकी है। इस दाल को अभी हम साइड से रख देंगे और ले लेंगे एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल। इसमें डालेंगे हम 1 कप जितनी मैदा। तो इस मैदा को हम छान कर यूज करेंगे, जिससे मैदा में कुछ भी होगा तो वो ऊपर रह जाएगा। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/3 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। चम्मच को इस तरीके से आपको भर कर लेना है, ऊपर तक चम्मच को बिल्कुल ना भरे। अगर आपके पास ये मेजरिंग स्पून नहीं है तो आप आधे चम्मच से थोड़ा कम इसमें बेकिंग पाउडर डाल लें। एक बार इन दोनों चीजों को अच्छे से छान लेंगे, छानने से मैदा भी हल्की हो जाएगी और साथ ही इसमें जो बेकिंग पाउडर है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ मैंने मैदा को पूरा छान कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे अपनी वो उड़द दाल का पेस्ट, जिसे हमने कुछ टाइम पहले बनाकर तैयार किया था। पूरी उड़द दाल के पेस्ट को इसमें डाल देंगे, साथ ही जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे जो भी उड़द दाल का पेस्ट इसमें रह गया है उस वो भी हमारे यूज में आ जाए। तो अच्छे से धोकर इसे इसमें डाल देंगे। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखें, आपको इसे एक डायरेक्शन में मिक्स करना है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, इसी वजह से हम इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एकदम स्मूथ घोल तैयार करेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आप इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि हमें जलेबी के लिए घोल जो है वो ना तो ज़्यादा पतला चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डालें और इस तरीके का एकदम चिकना घोल तैयार कर लें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इतना थिक घोल रखना है, ज़्यादा पतला बिल्कुल ना करें। आप इसे गिराएं तो इस तरीके से फ्लो में गिरे, थक्के में ना गिरे और ज़्यादा पतला भी बिल्कुल ना हो। तो यहाँ हमारा घोल एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है। इतने घोल को तैयार करने में मैंने 1 कप पानी लिया था, जिसमें से 1/2 कप पानी जो है वो बच गया है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ही पानी यूज़ करें। तो इस पानी को हम साइड से रख देंगे और बैटर को ढककर कम से कम 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे। तब तक हम जलेबी के लिए चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए एक बर्तन में डालेंगे हम 500 ग्राम जितनी चीनी, साथ ही डालेंगे हम इसमें 1/2 लीटर जितना पानी। तो जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम इसमें पानी डाल लेंगे। एक बार दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इस चीनी को पानी में अच्छे से घुलने देंगे। अभी चीनी जो है वो पानी में अच्छे से घुल चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें चीनी के दाने बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार इसे वापस से मिक्स कर देंगे और अब हम इस चाशनी में अच्छे फ्लेवर के लिए और अच्छे कलर के लिए डालेंगे थोड़ी सी केसर। केसर की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह इलायची का पाउडर भी इसमें यूज कर सकती हैं। इसी के साथ जलेबियों को एकदम मार्केट जैसा टेक्सचर देने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। येलो या रेड, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकती हैं। फूड कलर डालने के बाद एक बार वापस इसे मिक्स कर देंगे
और अब सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे 2 से 3 इस तरीके के नींबू के पीसेस। नींबू के पीस डालने से क्या होगा, चाशनी जो है उसका क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, यानी चाशनी जो है वो बाद में जमती नहीं है। इसी के साथ इसमें जो भी गंदगी होगी वो भी नहीं रहेगी, चाशनी एकदम साफ बनेगी। अब हम इस चाशनी को मीडियम गैस की फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। हमें जलेबी के लिए तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, पर हल्की चिपचिपी शहद जैसी चाशनी बनाएंगे। तो ये जितने भी नींबू के पीसेस डाले थे उसे हम बाहर निकाल देंगे इसमें। तो यहाँ हमारी एकदम परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप इस तरीके से चाशनी को पहले हल्का ठंडा कर लें, उसके बाद इसे उंगली से इस तरीके से टच करके देखेंगे। अगर आपको उंगली के बीच में हल्का चिपचिपापन जैसा फील हो रहा है, यानी चाशनी एकदम परफेक्ट है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अगर चाशनी थिक हो जाएगी तो वो जलेबियों के अंदर तक नहीं जाएगी, जिससे आपको जलेबी एकदम जूसी नहीं लगेंगी। तो बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ढककर छोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ हमारा बैटर भी अच्छे से सेट हो गया है, एक बार इसे मिक्स कर देते हैं। जलेबी बनाने के लिए इस तरीके का आपको थिक बैटर चाहिए, बैटर पतला बिल्कुल भी ना करें। तो अब हम इसे साइड से रख देंगे। जलेबी बनाने के लिए आप इस तरीके की कोई भी पाइपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं, ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, अदरवाइज आप इसे इजीली घर पर बना भी सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप इस तरीके की कोई भी सॉफ्ट पॉलिथिन भी ले सकते हैं, उससे भी इजीली जलेबियाँ बन जाएंगी। अगर ये नहीं है तो आप कोई भी सॉस बोतल ले लीजिए, उससे भी एकदम परफेक्ट जलेबियाँ बनेंगी। तो अभी हम एक ग्लास लेंगे और इस ग्लास के अंदर इस पाइपिंग बैग को सेट कर देंगे, जिससे हमें इसमें बैटर डालने में आसानी रहेगी। अब हलवाई तो क्या है, वो कपड़े से बनाते हैं। अगर आप कपड़े से बनाना चाहते हैं तो कोई भी एक मोटा कपड़ा लेकर उसमें बीच में छेद करके इजीली जलेबी बना लेंगे आप, और अगर इस तरीके से बनाएंगे तब भी एकदम परफेक्ट जलेबियाँ बनेंगी। तो मैं थोड़ा सा बैटर इस पाइपिंग बैग के अंदर डाल लूँगी। इसके बाद पूरे बैटर को हल्का सा इस तरीके से नीचे डालेंगे पाइपिंग बैग में, और अब हम इस पाइपिंग बैग में हल्का सा कट लगाएंगे, जिससे हम जलेबियाँ जो है वो अच्छे से बना पाए। तो आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है, छोटा सा कट लगाएंगे इस तरीके से। बाद में आप इस कट को एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी साइज आपको जलेबी का रखना है, मोटा या पतला, उसके अकॉर्डिंग आप बाद में इसे सेट कर लें। तो यहाँ हमारा बैटर तैयार है, अब चलते हैं जलेबी बनाने की तरफ। जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक फैला हुआ पैन लिया है। याद रखें इस पैन की गहराई नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, और साथ ही इसमें ऑयल भी आपको थोड़ा ही रखना है। अगर आप ज़्यादा ऑयल रखेंगे तो आप जलेबियों को अच्छी शेप नहीं दे पाएंगे। अब हम इसमें जलेबियाँ बनाएंगे। जलेबियाँ बनाते समय आपको 2 बातों का खास करके ध्यान रखना है। एक तो आपका बैटर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, दूसरा जो ऑयल है वो एकदम मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल ठंडा हुआ तो जलेबियाँ जो है वो फूल कर ऊपर नहीं आएंगी, और अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हुआ तो आप उसमें अच्छी शेप नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके का मीडियम गर्म तेल में हम जलेबियाँ तल लेंगे। जलेबियों की शेप आप जो भी समझ आए उस तरीके से बना सकते हैं। मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी तो मैंने इस तरीके से राउंड राउंड जलेबियाँ बनाकर तैयार की हैं। एक साइड से जब जलेबियाँ सिक जाएंगी तो इसे पलट देंगे और दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। क्योंकि हमने इसमें उड़द दाल डाली है, इसीलिए हमें थोड़े से ज़्यादा क्रिस्पी करना पड़ेगा, अदरवाइज रखकर जो जलेबियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो जो जलेबियाँ ज़्यादा सिक गई हैं उसे हम निकाल लेते हैं, और इसे निकाल कर झटपट हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। जलेबियों को आपको जल्दी से ऑयल से बाहर निकालना है और झटपट चाशनी के अंदर डालना है। ये बात आप खास करके ध्यान रखें। अगर जलेबियाँ आप जल्दी से चाशनी के अंदर नहीं डालेंगे और ऑयल से निकालने के बाद ठंडी हो जाएंगी तो वो चाशनी को अच्छे से सूखेंगी नहीं और उतनी ज़्यादा जूसी नहीं बनेंगी। तो अब इसे एक बार इस तरीके से पलट देंगे, जिससे चाशनी जो है वो अंदर तक जाए जलेबियों के। अब हम इसे 1 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देते हैं, तब तक हम जलेबी का दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं। बस इसी तरीके से हम राउंड राउंड जलेबियाँ बनाकर तैयार करेंगे। बस जलेबियाँ बनाते समय आप ऑयल और बैटर का ध्यान रखें तो एकदम परफेक्ट आपकी जलेबियाँ बनकर तैयार होंगी। अगर आप चाहें तो जलेबियाँ थोड़ी छोटी बड़ी या थोड़ी मोटी या पतली, जैसी भी आप बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। ये जलेबियाँ यहाँ सिक रही हैं, तब तक हमारे जो पहले हमने जलेबियों को चाशनी में डाला था उसे हम चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। तो इन्होंने भी चाशनी को अच्छे से सूख लिया है। एक बार की जलेबियों को आप 1 से 1.5 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ें,
उसे अच्छे से चाशनी को सूखेंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी परफेक्ट और एकदम जूसी हमारी जलेबियाँ बनकर तैयार हुई हैं। और ये जो बची हुई चाशनी है आप इससे कभी भी इंस्टेंट जलेबी इस तरीके की बना सकते हैं, अदरवाइज चाहे तो गुलाब जामुन या कोई भी अलग मिठाई आप इससे तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इस जलेबियों का टेक्सचर दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये देखने में ही एकदम परफेक्ट लग रही हैं और बाद में सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इन्हें मैंने बनाकर तैयार किया है और आपको दिखाती हूँ ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी। जलेबी तोड़ने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये बहुत ही क्रिस्पी हैं, और आप इन जलेबियों को पूरा दिन रखेंगे उसके बाद भी ये सॉफ्ट नहीं होंगे, इसी तरीके से क्रिस्पी रहेंगी। देखिए फ्रेंड्स चाशनी भी इसके अंदर तक गई है, तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।